पीएम मोदी ने गांधी सेतु के समानांतर पुल और पटना रिंग रोड का किया शिलान्यास, साथ ही बिहार के गांव को इंटरनेट से जोड़ने की योजना भी शुरू। राज्यसभा में हंगामे पर उपसभापति ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, पीएम मोदी ने जनता से की खत पढ़ने की अपील। किसान बिल के खिलाफ विपक्ष और किसान संघ एक साथ, देशव्यापी जन आंदोलन बुलाने की हो रही तैयारी। सीएम नीतीश की पीएम मोदी से मांग, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े बक्सर 7 मीटर चौड़ी नई 4 लेन बने भारत नेपाल सीमा पर सड़क। दिल्ली यूपी के बाद अब बिहार में भी मेट्रो रेल सेवा, सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना मेट्रो प्रोजेक्ट कार्य का किया शुभारंभ। एनडीए में चुनावी चेहरे पर सियासत हुई तेज, सीएम नीतीश के मंत्री बोले पीएम मोदी के नाम पर मिलेंगे वोट। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमसीएच की सर्जिकल इमरजेंसी समेत 3 और सुविधाओं का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार में 77 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन, साथ ही पथ निर्माण विभाग के 200 योजनाओं का किया शिलान्यास। अरवल में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर, चुनाव को लेकर मगध प्रमंडल के आयुक्त ने किया जिले का दौरा। समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी सपा। यूपी में योगी सरकार ने फिल्म सिटी के लिए दी 1000 एकड़ की जमीन, यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी फिल्म सिटी। यूपी के 25 शहरों से बिहार के लिए चलेंगी 166 बसें, दिवाली तक शुरू हो जाएगा संचालन। झारखंड हाईकोर्ट ने 100% आरक्षण को ठहराया गलत, 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी हुई रद्द। गया में 15 वर्षीय छात्र की हुई निर्मम हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। अरवल जिले में एसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा छापेमारी अभियान, देशी शराब के विरुद्ध की जा रही बड़ी कार्रवाई। बिहार में बनेगा पहला रबर डैम, गया के फल्गु नदी में बिहार का पहला रबर डैम बनाने की चल रही योजना। छात्रों को प्रमोट करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा राज्य के हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद होता नहीं देख सकता। बिहार में कृषि बिल के विरोध में राजद का देशव्यापी प्रदर्शन, 25 सितंबर को माकपा करेगा चक्का जाम। आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स को लगा बड़ा झटका, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से 2 स्टार खिलाड़ी हुए बाहर। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में बड़ा खुलासा, पहली बार सामने आया दीपिका पादुकोण का नाम, एनसीबी सूत्रों ने दीपिका का नाम किया कन्फर्म।